तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन लोग करने वाले हैं रियलमी के नार्सो 30 प्रो 5G स्मार्टफोन का पबजी टेस्ट। देखेंगे इसके अंदर अपन को पबजी में कैसी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है, क्या क्या इसके अंदर अपन को पबजी में हाई सेटिंग्स देखने के लिए मिलती हैंगी, और उन हाई सेटिंग्स के ऊपर इसमें अपन को कितने FPS देखने के लिए मिल जाते हैंगे। और दोस्तों, उसी के साथ में अपन लोग इसके जायरोस्कोप को भी टेस्ट कर देखने वाले हैंगे आज की इस वीडियो में, कि इसके अंदर अपन को जायरोस्कोप में कोई लैग वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। दोस्तों, इस फोन के अंदर अपन को MediaTek का Dimensity 800U प्रोसेसर देखने के लिए मिलता आएगा, जो कि मतलब इस प्राइस रेंज में गेमिंग करने के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है, और ये एक 5G प्रोसेसर है। तो देखते हैं दोस्तों, इस फोन के अंदर अपन को कैसी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। तो चलिए अब अपने गेम को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं ये अपना गेम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर सेटिंग्स दिखा देता हूँ कि इसके अंदर अपन को क्या क्या हाई सेटिंग्स देखने के लिए मिल रही है ग्राफिक्स की। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर अपन को जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखने के लिए मिलती है कि वो HD+ हाई की देखने के लिए मिलती है, और इसके अलावा इसमें अपन को स्मूथ प्लस अल्ट्रा का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, और बैलेंस्ड प्लस अल्ट्रा का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, और HDR वगैरह भी अपन को इसके अंदर अवेलेबल देखने के लिए नहीं मिलता है। तो सबसे पहले अपन लोग इसको एक बार स्मूथ प्लस अल्ट्रा पर खेल कर देख लेते हैं कि स्मूथ प्लस अल्ट्रा के ऊपर इसमें अपन को कितने FPS वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, और उसके बाद में अपन लोग इसमें HD+ हाई पर भी खेल कर देखने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में अपन लोग इसमें जायरोस्कोप को भी ट्राई कर देखने वाले हैं। तो चलिए आप सबसे पहले अपन लोग इसको स्मूथ प्लस अल्ट्रा पर खेल कर देख लेते हैं। मैं निकला ओ गड्डी लेके, बेटे ओ बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। म्यूजिक तो दोस्तों, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है कि हमको इस फोन के अंदर स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स की, पर जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर दिया है। इसने अपन को लगभग 38 से लेके 40 FPS तक कंसिस्टेंटली दे दिए थे, और बाकी दोस्तों मुझे इस पर गेमिंग करते हुए लगभग 1 घंटा हो गया है, तो अपना फ़ोन भी काफ़ी हीट होने लगाएगा, मतलब कि मेरे हाथों में हीट जो है वो महसूस हो रही है। तो लगभग 40 से 45 डिग्री के आसपास तो इसका टेम्परेचर पहुँच ही गया होगा स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग में। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत लगा था कि हाँ अपना फ़ोन कहीं कहीं पर लैग मार रहा है, बट बाकी ऐसा मुझे कहीं ज़्यादा लैग इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिला इस सेटिंग के ऊपर। तो अब दोस्तों अपन लोग इसकी सेटिंग को और चेंज कर लेते हैं। अब इसकी सेटिंग को अपन लोग HD+ हाई पर भी कर लेते हैं, और देखते हैं उस सेटिंग के ऊपर इसमें अपन को कैसी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसकी सेटिंग को HD+ हाई पर कर लिया है। तो अपन लोग अब इस सेटिंग के ऊपर खेल कर देखते हैं कि इस सेटिंग में अपन को कितने FPS देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसके बाद में अपन लोग इसका जायरोस्कोप को टेस्ट करेंगे।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है कि हमको इस फ़ोन में HD+ हाई सेटिंग्स के ऊपर, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से इसने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर दिया है। और भाई अपना फ़ोन भट्टी की तरह तप रहा है अभी तो, मतलब कि काफ़ी हीट हो गया है, मतलब कि मुझे इस पर गेमिंग करते हुए तकरीबन आप लोग बोल सकते हैं 1 घंटा और 51 मिनट हो गएंगे लगातार गेमिंग करते हुए, तो अपना फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होने लगा है। और आप लोगों ने जैसा देखा ही होगा, मतलब कि HD+ हाई सेटिंग के ऊपर मुझे इसके अंदर थोड़ा बहुत लैग देखने के लिए मिला, बाकी इसने अपन को लगभग 30 फ्रेम्स और 28 फ्रेम्स के आसपास FPS दे ही दिए थे, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। हालांकि मैं उतना रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है इस पर गेमिंग करते हुए, मेरी उंगलियाँ मतलब कि ऐसे जल सी रही थी। और दोस्तों अपन लोग अब इसके अंदर जायरोस्कोप को भी टेस्ट कर देख लेते हैं कि जायरोस्कोप के अंदर इसमें अपन कोई लैग वगैरह देखने के लिए मिलता है या नहीं। तो मैं सेटिंग्स में जाके जायरोस्कोप को ऑलवेज ऑन पर कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि इसके अंदर अपन को जायरोस्कोप में कैसी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अपना गेम स्टार्ट हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं अपना जायरोस्कोप कितने मक्खन की तरह वर्क कर रहा है। मतलब कि दोस्तों जायरोस्कोप के अंदर मुझे तो अभी तो कोई भी ऐसी कोई ज़्यादा मतलब शिकायत नहीं है, जायरोस्कोप से काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। बाकी मैं आपको एक बार मैच में और दिखा दूंगा कि इसमें अपन को कैसी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है, कि मुझे तो अभी कोई भी पर्सनली डिले देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और इसकी सेटिंग्स की मतलब सेंसिविटी रहती है कि उसके भी मैंने अभी कोई छेड़ नहीं किए हैं, जो नॉर्मल सेंसिविटी है उसी के ऊपर अपन को इसमें ऐसी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों कुछ इस तरह की इसके अंदर अपन को जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है, कि जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। इसके अंदर मुझे तो कोई भी पर्सनली ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं लैग देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और बाकी मैंने इसकी सेंसिटिविटी वगैरह के भी कोई छेड़ नहीं की थी जायरोस्कोप की, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर काफ़ी अच्छी इसके अंदर अपन को जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों अब बात करें मेरे ओपिनियन के बारे में कि मेरा क्या ओपिनियन है इस फ़ोन की गेमिंग को लेकर। दोस्तों मेरे हिसाब से गेमिंग के मामले में तो ये फ़ोन काफ़ी तगड़ा है। इस फ़ोन की प्राइस को देखते हुए मुझे इस फ़ोन की मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस तो काफ़ी बढ़िया लगी। और बाकी बस मैं आप लोगों को इतना ही सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो रेडमी नोट 10 सीरीज़ का और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अपन लोग एक बार उसका और टेस्ट कर लेते हैं कि उसमें अपन को कैसी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। कि बाकी ये वाला फ़ोन तो फिर है ही आपके लिए बेस्ट गेमिंग करने के लिए। ओवरऑल मुझे रेडमी नोट 10 प्रो थोड़ा बेटर लगा इससे, बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में ये फ़ोन मुझे काफ़ी सही लगाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस फोन से रिलेटेड आपका जो भी सवाल हो आप वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।